हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि हाँ, क्या आपने भी कभी कोई प्राइज़ विन किया है, क्या आपने भी कभी कोई इनाम को जीता है। तो चलिए इस बात पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चर्चा बहुत इंजॉयफुल रहने वाली है, कुछ सवाल जवाब रहेंगे। तो कृपया करके अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि इस चैनल पे हम बहुत सारी स्टडी करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं और बहुत सारा मज़ा करते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राइज़ क्या है? प्राइज़ है विजेता की पहचान। जब भी हम कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, तो सबसे बड़ा गोल एक विजेता का रहता है कि उस ट्रॉफी तक पहुंचना, उस गोल तक पहुंच के उस इनाम को हासिल करना। लोग कहते हैं कि ट्रॉफी तभी मिल पाती है जब हम उस प्रतियोगिता में बहुत शिद्दत के साथ काम करते हैं, उस शिद्दत के साथ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमें किसी अचीवमेंट में पहुंचना है, कोई चीज़ अचीव करनी है, कुछ गोल अचीव करना है, किसी रेस को जीतना है, किसी कंपटीशन को जीतना है, किसी प्रतियोगिता में जीतना है, विजेता अपने आप को बनाना है, तो उस काम में हमें मन से, दिमाग से और शरीर से, तीनों रूप से बिल्कुल लग जाना चाहिए। तभी आप अपनी ऐसी ट्रॉफी तक पहुंच सकते हो जो आपको विजेता बनाने में और आपको विजेता दिखाने में बहुत बड़ा रोल देती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी सारी ट्रॉफीज़ जीत चुके होंगे और बहुत ही उन्हें खुशी होती होगी, अंदर से एक प्रसन्नता आती होगी कि ये ट्रॉफी हमने जीती है। उनके पेरेंट्स, उन्हें उनके माता पिता बड़ा प्राउड फील करते होंगे कि ये ट्रॉफी, ये इनाम, ये मेडल, ये सर्टिफिकेट मेरे बच्चे ने इस प्रतियोगिता में या इस कॉम्पिटिशन में जीता था। क्योंकि जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के कंपटीशन के बारे में बताता है, उसकी विजेता होने की घोषणा करता है, उसको सामने वाले को बताता है कि मेरा बच्चा इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने के बाद फर्स्ट प्राइज लाया, वो बहुत ही प्राउडफुल हमारा मोमेंट होता है, एक बहुत ही अनोखा और गर्वपूर्ण पल होता है। और इस बात से सभी पेरेंट्स, सभी विद्यार्थी या सभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जानते होंगे कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जब भी हम फर्स्ट प्राइज़ लेते हैं, सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है, मगर फर्स्ट प्राइज़ की बात अलग होती है। जैसे ही बच्चा फर्स्ट प्राइज़ को हाथ लगाता है या उसकी अनाउंसमेंट की जाती है कि इस बच्चे ने फर्स्ट प्राइज़ इस कंपटीशन या इस प्रतियोगिता में जीता है, वो बच्चा बहुत ही खुश होता है। आप भी जानते हैं, इस दौड़ भरी दुनिया में यहाँ लोग होड़ में लगे हुए हैं अपने आप को जिताने में, एक दूसरे को कॉम्पिटिशन देते हैं, ऐसे ही कंपटीशन दे दे के लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सीखना बहुत अच्छी बात है, मगर पार्टिसिपेट करना उससे भी बड़ी बात है। अब मैं बात करने वाली हूँ ऐसे बच्चों की जो पार्टिसिपेट तो करते हैं बट जीतते नहीं हैं। तो इसमें निराश होने की तो कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि पार्टिसिपेट वही लोग करते हैं जिनके अंदर क्षमता होती है, जिनके अंदर एबिलिटी होती है, जिनके अंदर योग्यता होती है, जिनके अंदर क्वालिटी हो, वही बच्चे, वही लोग कंपटीशन में भाग लेते हैं, अपनी गुणवत्ता दिखाते हैं, अपनी क्वालिटी दिखाते हैं, अपनी क्षमता दिखाते हैं, अपनी एबिलिटी दिखाते हैं कि देखो, हमने इसमें पार्टिसिपेट किया। हार और जीत हर कंपटीशन में होती है, वो तो कंपटीशन यानी प्रतियोगिता का एक हिस्सा है, तो हार जीत तो लगी रहती है, बट उसमें भाग लेना बहुत ज़रूरी होता है, अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो जिन लोगों ने मेरी इस वीडियो को देखा है और सुना है, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि किसने किस चीज़ में कंपटीशन में भाग लेकर कौन कौन से प्राइज़ उन्होंने हासिल किए हैं। मुझे भी अच्छा लगेगा आप अपने जो प्राइज़ हैं वो मेरे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।